संयोजक हूँ अग्रसेन मेला 2024 का। यह अग्रसेन मेला श्री अग्रवाल महासभा ग्वालियर ग्रेटर के द्वारा लगाया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से ग्वालियर में यह मेला अग्रवाल समाज के लिए एक आकर्षण का केंद्र होता है। जब अग्रसेन जयंती आती है, अग्रसेन जयंती के दौरान हम लोग इस मेले का आयोजन करते हैं। इस बार का मेला कुछ विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है और इसके प्रति लोगों का बड़ा आकर्षण है। लोग इसके लिए बड़े उत्साहित हैं और मेला 7 और 8 अक्टूबर को शिवाजी क्लब में लगाया जाएगा। 7 तारीख को मेले में सुबह दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक कई प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें रखी गई हैं, जिसमें महिलाओं की कुकिंग प्रतियोगिता होगी। कुकिंग प्रतियोगिता में दादी नानी के व्यंजन, जिसमें नमकीन व्यंजन, मीठे व्यंजन, जो दादी नानी के विलुप्त होते जा रहे हैं व्यंजन, जिसको लोग अभी पहचानते नहीं है, ऐसे व्यंजनों के लिए प्रतियोगिता रखी गई है। फलाहारी व्यंजन कौन कितना अच्छा बना पाता है, जो हम व्रत रखते हैं उसके लिए भी एक प्रतियोगिता रखी गई है। और लेडीजों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता है और अपना फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन, ये 4 प्रतियोगिताएं हमारी 7 तारीख को होंगी। इसके बाद शाम को 7 बजे से हमारे समाज की महिलाएं प्रैक्टिस कर रही हैं गरबा और डांडिया की, और 7 बजे से गरबा डांडिया की शानदार बड़ी आकर्षक प्रस्तुति गरबा डांडिया की होगी युवादी क्लब में। दूसरे दिन 2:30 बजे से फिर प्रतियोगिता होगी, उसमें बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए उसमें जो है रंगोली प्रतियोगिता, शाम को महिलाओं की डांस प्रतियोगिता और अपनी ड्राइंग कंपटीशन बच्चों के लिए। इस प्रकार से भी एक पहले कंपटीशन होंगे, फिर शाम को 7 बजे से हमारे यहाँ पर मेले का मुख्य समारोह प्रारंभ होगा। उसमें इस बार सबसे बड़ा आकर्षण है महाराजा अग्रसेन जी का सजीव दरबार। सजीव दरबार से तात्पर्य है कि हमारे समाज के ही बच्चे महाराजा अग्रसेन बनेंगे और 18 बच्चे उनके 18 राजकुमार बनेंगे, उनके पुत्र बनेंगे। एक सजीव झांकी जो दरबार महाराजा अग्रसेन का आज से 5150 वर्ष पूर्व लगा था, वैसा ही सजीव दरबार लगाया जा रहा है। वो बड़ा आकर्षण का वो केंद्र होगा। इसके अलावा पहली बार ग्वालियर में महाराजा अग्रसेन जी का, लक्ष्मी जी का मंदिर तैयार किया जा रहा है। इसमें 3 फुट की महाराजा अग्रसेन जी की एक भव्य मूर्ति, ऐसे ही महारानी लक्ष्मी जी की एक भव्य आकर्षक मूर्ति के साथ में मंदिर लगाया जाएगा, मंदिर सजाया जाएगा, उसमें उनका 56 भोग भी लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस मंदिर में और पूरे दरबार का इस बार गंगा की जैसे आरती होती है बनारस में होती है, इलाहाबाद में होती है, उसी प्रकार से गंगा की आरती की तर्ज पर ग्वालियर में पहली बार वो गंगा आरती होगी, महा आरती होगी। उसे 400 से 500 लोग थालियों से आरती करेंगे और जो पंडित होंगे हमारे मन, वो पंडित जी जो है दरबार में और मंदिर में आरती करेंगे। इसके अलावा हमारा कार्यक्रम में मेघावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। समाज के ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने IIT में, CA में, नीट में, UPSC में, PSC में सफलता हासिल की है पिछले एक वर्ष में, उन बच्चों का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। ऐसे करें 23-24 बच्चों को हमने अभी तक मतलब उनको नोट किया है जिनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रतियोगिता हो रही है उन सब बच्चों को अवार्ड भी 8 तारीख की शाम को दिए जाएंगे। हमारे समाज का मुख्य आकर्षण ये भी है कि हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि दिल्ली करोलबाग से आ रहे हैं, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप मित्तल जी दिल्ली से ग्वालियर पहुंच रहे हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। इसके अलावा 7 तारीख को महापौर श्री ग्वालियर की प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर शोभा शेखरवार जी गरबा डांडिया की मुख्य अतिथि होंगी, और 7 तारीख को मुख्य अतिथि होंगे प्रदीप मित्तल जी, और अध्यक्षता करेंगे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और अमित सांगी जी हमारे समाज के हैं जो कि DIG हैं ग्वालियर के, वो भी रहेंगे, और सेवड़ा से विधायक आ रहे हैं श्री प्रदीप अग्रवाल जी, वो विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा मेले में महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी है, निःशुल्क टैटू है, निःशुल्क अपन जो पोर्ट्रेट स्क्रेच बनाते हैं चेहरे का वो स्क्रेच है, बच्चों के लिए कई प्रकार के गेम जोन रहेंगे वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी मेले में कि हम जितने भी अग्रवाल समाज के लोग आएंगे उन सबको हम महाराजा अग्रसेन जी की आकर्षक तस्वीर देंगे ताकि वो अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में उनको लगा सके, निःशुल्क देंगे। एक वहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है महाराजा अग्रसेन जी का चित्र लगा करके, तो लोग उनके आगे खड़े होकर के परिवार के साथ फोटो खिंचा सकेंगे और वो फोटो हम उनका हल्कियल प्रिंट करके उनको हल्कियल देंगे निःशुल्क। तो फोटो भी निःशुल्क दिया जा रहा है और महाराजा अग्रसेन जी का चित्र भी निःशुल्क किया जा रहा है। समाज के लोगों के लिए भोज की भी व्यवस्था है लेकिन वो कूपन से है, तो भोज की भी व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। मेले को भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है और इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। एक 24 लोगों का संयोजक मंडल बनाया गया है जिसमें मेरे साथ में मुख्य रूप से सह संयोजक श्री मनोज अग्रवाल बाबा जी मेरे बीच बगल में बैठे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है।
और इनके द्वारा सभी पूरे समाज के लिए एक बाघ बकरी जो देश की एक रेपुटेटेड ब्रांड है उसकी चाय दोनों तीन हमारे मनोज अग्रवाल बाबा जी के द्वारा सभी को पिलाई जाएगी। और भी कई प्रकार के वहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे, लोगों में बहुत उत्साह है, जोर शोर से तैयारियां चल रही है। मैं यही पूरी जानकारी है। जय हिंद जय भारत। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।